इसी के साथ अगली कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब, जय हिंद। स्वागत है हमारी बहन का। कैसे हैं भाई साहब? तबीयत ठीक है? अच्छा तबीयत हाँ आधी ठीक है आधी नहीं है। ठीक हो जाओगे भाई साहब, सब दुआ कर रहे हैं आपके लिए। अरे मैं भी करती हूँ और भाभी ठीक है? उसकी तो बात ही मत करो, तो कभी ठीक ही नहीं रहती। नहीं ठीक रहती है, आप अच्छा सोचो ना, ठीक रहे वो, ठीक रहेगी तो आप सोचोगे तो अच्छी रहेगी। ठीक है, अरे वो मेरी दवाई ही नहीं खाती है, विश्वास ही नहीं करती मेरी दवाइयों पर। करेंगी करेंगी, फिर भी खाएंगी, आपकी बात खाती पहुंचा होगी दूंगा मैं। आप तो यहाँ आ जाते हो, पीछे तक खाती होगी। और बताइए क्या सवाल है। और सवाल ये है भाई साहब, ये बताओ, ये चिलगोजा गोंद, मतलब आम ठीक आदमी भी ले तो उसको फायदा रहेगा, नुकसान तो होगा कुछ? अच्छा एक सवाल आपका, और कोई सवाल? और एक सवाल ये है भाई साहब, जैसे ये जीरे का सिरका है, इसमें भी ये नमक बतून और मीठा सोडा डाल के पेट झड़ने के लिए, ये मिस्टर को सिर्फ पेट पेट रह रहा है थोड़ा सा और सारी बीमारियां ठीक होगी, तो मैं चाहती हूँ ये भी खत्म हो जाए पूरा, तो ठीक। ये ले सकते हैं क्या? हाँ इसमें सोडा वगैरह तो जरूरत नहीं है, काफी तेज होता है चर्बी काटने में। और नमक जैतून डाल सकते हैं इसमें एक चुटकी, काफी तेज होता है। चर्बी जिनको ज्यादा है, पेट ज्यादा है और खून में चर्बी है, उसके लिए एक अच्छी ये दवा कह सकते हैं। और सोडा मिलाने की इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि ये जीरा अच्छे से काटता है हमारी चर्बी को। और क्या सवाल था? अगर कोई सेहतमंद है वो भी चिलगोजा ले सकता है? हाँ ले सकता है, लेकिन एक खुराक बस, और वो भी एक चुटकी से ज्यादा न लें। सेहतमंद लोग लें तो फिर रोगी ना हो, ये काफी तेज है। मैंने बहुत कम ऐसी दवाएं देखी हैं यूनानी में खास तौर पर, जो 1 घंटे के अंदर आदमी की इम्यूनिटी को जरूरत के मुताबिक करती है, और इससे ज्यादा लेना मना है।